नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताने से पहले एक नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने दिया इस्तीफा। एनसीपी पार्टी के नेताओं ने मानने से किया इनकार। फैसला वापस लेने के लिए कार्यकर्ताओं ने पवार के घर के बाहर किया प्रदर्शन। अतीक मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ नया खुलासा। पहले ही गोली से हो गई थी अतीक और अशरफ की मौत। केरला में पेड़ से टकराकर पलटी एम्बुलेंस, मरीज समेत 3 लोगों की हुई मौत। चालक और उसका साथी हुआ गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 17 प्रत्याशी उतारकर खेला नया दाव। मुस्लिम समाज की आधी आबादी पर टिकी है भाजपा की उम्मीदें। आप सांसद ने केंद्रीय वित्त सचिव को लिखी चिट्ठी। ईडी डायरेक्टर के खिलाफ केस चलाने की गई है मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें। रामचरितमानस मामले में चार्जशीट में पुलिस ने पाया दोषी। स्वामी ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए दिया था विवादित बयान। झारखंड के गुमला में शादी से लौट रही पिकअप पलटी, 5 लोगों की हुई मौत, 29 लोग हुए घायल। चुनावी जंग के चलते तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएम के सरकार ने लगाया दाब। मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से हटवाया कब्जा। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए बढ़ाई और समय सीमा, अब 26 जून तक कर सकेंगे आवेदन। यूपी एमपी बिहार समेत 6 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने बताया बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया चक्रवात, 6 मई से हो सकता है एक्टिव। जापान में वुमेन सिक्योरिटी के लिए आया नया बिल। स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में आपत्तिजनक फोटो लेने पर 3 साल की सजा हो सकती है जुर्माने के साथ। पाकिस्तान में कपूर हवेली पर मालिकाना हक वाली याचिका हुई खारिज। कोर्ट ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की नहीं दी इजाजत। यही हुआ था राज कपूर का जन्म। पाकिस्तान के इमरान खान ने दिया बड़ा बयान, कहा मुझे मारने की 3री बार की गई है साजिश। कोर्ट आने जाने में मेरी जान को है खतरा, खत्म करें मेरे खिलाफ सारे केस। गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविर में चले आप पार्टी के वीडियोस, जनता को दिखाया मोदी हटाओ देश बचाओ के भाषण। ब्रिजभूषण के खिलाफ चल रहे पहलवानों के धरने का आज हुआ 11वां दिन। जंतर मंतर समर्थन देने पहुंची आईओए अध्यक्ष पीटी उषा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों की। हरियाणा रोडवेज बस अड्डे के इंचार्ज द्वारा बल्लभगढ़ बस अड्डे के सामने और मेट्रो स्टेशन के नीचे लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दरअसल इसको लेकर वाहन चालक और आम जनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही हरियाणा रोडवेज बस अधिकारी के द्वारा साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि 2 दिन तक इनको समझाएंगे, अगर रेहड़ी वाले अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो उनका 5000 रुपए तक का जुर्माना कर दिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, संस्थान प्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद। सर जाम खुलवा रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम? ये जाम इसलिए खुलवा रहे हैं कि हमने इनको बार बार बोला कि एक साइड में इस पिलर से और एक लाइन में कहीं भी लगा लो, लेकिन ये बार बार बस परिसर के दोनों गेट के आगे लेके आते हैं, जिससे आम जन को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। और जो बाहर से बस आती है, आउट गेट है यही है, इन गेट है हमारा ये, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बस को कट करने का मौका ही नहीं मिलता। हर जगह रेडी है और इनको बार बार समझाया जाता है भाई इस पिलर के पीछे पीछे लगाओ, इसलिए हमने ये सफाई अभियान छेड़ा हुआ है ताकि आमजन को भी दिक्कत ना आए और हरियाणा राज्य परिवहन की किसी भी बस को तो कोई दिक्कत ना आए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। अगर नहीं मनमानी करते हैं क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? भाई देखो कार्रवाई तो यही है, नहीं करेंगे तो इनका चलान काट दिया जाएगा और फिलहाल हम इनको 2-3 दिन ऐसे ही हटाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका 5000 रुपये का तक का जुर्माना करने का वो है, इनका जुर्माना करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद रिवाजपुर के निवासी कूड़ा घर बनने को लेकर आजकल काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि इसी परेशानी को लेकर रिवाजपुर की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अपने इसी विरोध के चलते सेफ फरीदाबाद बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको देश रोजाना के संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य रहा, किन कारणों से प्रेस वार्ता रखी गई?
देखिए, मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो रिवाजपुर गांव है ग्रेटर फरीदाबाद में, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र का गांव है और जो 10-15 गांव का जो क्लस्टर है उसके बीचों बीच एक कूड़ा घर बनाने का सरकार प्रस्ताव पास किया है सरकार ने, और उसका टेंडर भी अलॉट कर दिया है। तो उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार को चेताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आप वहाँ पर कूड़ा घर बनाने का सोचिए भी मत, अपने ख्वाबों में मत सोचिए, नहीं तो जनता जो है बड़ी आक्रोशित है और वहाँ पर हम कूड़ा घर नहीं बनने देंगे किसी भी तरीके से। शहर के बीच में कूड़ा घर नहीं होना चाहिए और ये पूरे गांव के बीच में कूड़ा घर बना रहे हैं और वो उपजाऊ ज़मीन है, और जब कूड़ा घर बनेगा तो ये आप समझ सकते हो कि ये बंदवाड़ी की तरह प्रोजेक्ट बन जाएगा और इसकी ज़मीन जो है इसका पानी जो ख़राब हो जाएगा और हो सकता है उससे कैंसर जैसे रोग जनित हों, तो यहाँ के लोगों को नुकसान होगा। इसलिए इन लोगों का प्रोटेस्ट है और मैं समझता हूँ कि इनका प्रोटेस्ट जायज़ है। सरकार को अगर कूड़ा घर बनाना है तो नगर निगम में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पे कोई उपजाऊ नहीं होता, कुछ है नहीं और शहर से बाहर है, तो इन्हें चाहिए कि वो जगह चिन्हित करके वहाँ बनाए ताकि इन लोगों की समस्या भी हल हो जाए और सरकार का काम भी हो जाए। एक आम जन समस्या है जो फरीदाबाद के जनजीवन को प्रभावित करेगी, इसलिए ही हम से फरीदाबाद के बैनर तले जो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसको जो आने वाली फसल को और नस्ल को जो ये ख़राब करने का निर्णय लिया है गांव रिवाजपुर में जो ये डंपिंग यार्ड बना के, तो सरकार से यही अनुरोध है कि वो इसको तुरंत प्रभाव से कहीं अन्य स्थान पर करें, और नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। मेरा नाम नाहर सिंह चौहान है, मैं रिवाजपुर गाँव का रहने वाला हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ और समाज सेवा का भी काम, क्योंकि शिक्षा भी एक समाज सेवा है। अभी आनंद फानंद में हमारे गांव में कूड़ा घर बनाने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि 3-4 गांवों में जैसे पाली है वहां विरोध हुआ, सोतई में विरोध हुआ, वहां पे वहां के विधायक नैनपाल रावत जी अड़ गए कि मेरे विधानसभा में नहीं बनेगा, उनको पलायन करके, और हमारे क्षेत्र को जहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है काम करने का उस क्षेत्र में सरकार ने इसको लेकर आई है, और फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर करीब 60-70 मन एकड़ की गेहूं होती है जिसको सरकार ने कूड़े घर में तब्दील करने का काम कर रही है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। और सरकार से आपके माध्यम से यही चेताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप उस कूड़े घर को हटाइए, क्योंकि इससे हमारी नस्ल और फसल दोनों चीज़ बर्बाद हो रही है। आने वाली पीढ़ी हमारी अपंग पैदा होगी, बीमार होगी, हम बीमार होंगे, तो ये तो हमारी मांग है कि कूड़ा घर हटाया जाए, क्योंकि हम अपनी जान बख्शने की अपील इनसे कर रहे हैं, अपनी जान की कीमत मांग रहे हैं कि आप हमें बख्श दो। देखिए, अभी तो हम धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा, अभी हमें मुख्यमंत्री जी से किसी ने आश्वासन दिया है 5 तारीख के लिए कि आप 5-6 तारीख तक रुकिए और मैं बात करके बताता हूँ, अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर न्यायालय हम कोर्ट में जाएंगे। कुल मिला के कूड़ा घर नहीं बने, कूड़ा घर नहीं बनने देंगे, या तो सरकार हमें प्लान करा दे, वहाँ से हमें मुआवजा दे दे, हमारे गाँव घर जमीन सब खरीद ले, हम छोड़ कर चले जाएंगे। जी, मेरा नाम माला चौहान है, मैं रिवाजपुर से हूँ। ये डंपिंग यार्ड यहाँ हमारे गांव के बीच बीच में बनाया जा रहा है, जो हमारा गांव है वो तकरीबन 16 गांव के बीच में बना हुआ है, 16 गांव इसके टच है बिल्कुल, और 16 गांव के बीच में ये डंपिंग यार्ड को बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। 4-5 कॉलोनियाँ हैं जो इससे एकदम टच है, जहाँ डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा बिल्कुल एकदम किनारे पर हैं, तो ये सरकार ने इनको प्लॉट दिए थे, उन्होंने अपने पैसे से मेहनत करके एक एक रुपया लगा के जोड़ के उन्होंने घर बनाया है, वो आंसुओं से रो रहे हैं कि यहाँ डंपिंग यार्ड बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है आगे कर कहीं घर बनाने के लिए। और ये डंपिंग यार्ड बनने से हमारे यहाँ इतनी बीमारियाँ फैल जाएंगी, आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ आबादी, जो गेहूँ अभी कटे हैं वहीं से, जहाँ ये डंपिंग यार्ड बना रहे वहीं से गेहूँ कटे, वो फसल खत्म हो जाएगी, जो पशु पक्षी होंगे, पशु पक्षी पैदावार नहीं होने देंगे, वो किसान भाई क्या खाएंगे। गाँव के बीच से रोड निकलती है, गाँव आधा गाँव इधर है आधा गाँव इधर है, तब बीच से रोड निकली हुई है, तो वो जब कूड़े के ट्रक जाएंगे पूरा कूड़ा उड़ेगा, हमारे घरों के अंदर भी आएगा, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं वहाँ पे हमारे इसी के आसपास, सभी को परेशानी होगी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ बीमारी फैलेगी, वो बीमार होंगे तो इससे क्या होगा। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि उन बच्चों की जान बख्शी जाए। क्षेत्र के लोग सब तरह से तैयार हैं, हम धरने पर बैठ चुके हैं, और अगर सरकार हमारी बात आराम से नहीं मानेगी तो हम रैली भी निकालेंगे और हम फिर शोर भी मचाएंगे, और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं में इतना जोश है इसके विरोध को लेके कि वो मरने मारने को तैयार हैं। सरकार आराम से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा कदम उठाएंगे। पलवल में एक लड़की की शादी उस समय चर्चा का विषय बन गई जब राजस्थान SDRF पुलिस टीम ने जिला भरतपुर के रेंज प्रभारी इंस्पेक्टर चौधरी हरि सिंह अपने स्टाफ के साथ रसोईया मनोहर लाल की बेटी की शादी में मामा बनकर भात भरने के लिए पलवल पहुंचे।
उन्होंने भात की रस्म के तहत रसोईया की पत्नी राजवती को चुनरी ओढ़ाई और भात में 1,51,000 रुपए नकदी सहित चांदी की ज्वेलरी और कपड़े भी भेंट किए। मैं हरी सिंह, इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस, जिला भरतपुर राजस्थान से मैं स्टाफ के मनोहरलाल जी शर्मा जी के घर पे आया हूँ। उनकी बेटी की शादी है, उसके लिए सहायता स्वरूप जो भी कन्यादान स्टाफ ने सहयोग से इकट्ठा किया है, इसको हम सब सम्मान इनको देना चाहते थे। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, ये हमारे यहाँ पर पदस्थापित है, हमारे यहाँ काम करते हैं और करीब 5 साल से हमारे पास सेवा दे रहे हैं। जो इनकी सेवा बतौर प्रसन्न होकर के जो भी स्टाफ ने सहयोग दिया है, वो हम आज इनकी बेटी के शादी के समय पधारे हैं और इनको भात के रूप में 1,51,101 रुपये, बेटी के लिए शादी साड़ी, माँ के लिए साड़ी, इनके पापा के लिए साफी और 1,000 रुपये इनकी बहन बेटी और बुआ भतीजियों के लिए शादी के बिछिया, जिसकी शादी है बेटी की उसके लिए शादी के बिछिया दी है। ये सभी हमारे स्टाफ की तरफ से सामूहिक रूप सूट वगैरह हैं, जरूरत कमरे हैं वो दिए। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार सर मेरा। अशोक जी, राजस्थान एसटीआरएफ में किस पद पर हैं? कांस्टेबल सर। आज ये जो राजस्थान पुलिस के जो आप जवान आए हुए हैं भात भरने के लिए, जी सर, वो किस तरह से प्रेरणा मिली, किस तरह की पहल मानते हैं इसे? सर, जैसे कि ये हमारे पिछले 5 वर्ष से और एक रसोईया को के रूप में कार्य करते हैं और इनका स्वभाव एक बहुत ही अच्छा है, एक सरल स्वभाव व्यक्ति नहीं है और हमको ये प्रेरणा, जैसे कि हमारे राजस्थान पुलिस के अन्य कर्मचारी अन्य जिलों में भी ऐसी प्रक्रियाएं जो भी जो ये सहयोग राशि है भात के रूप में जाते हैं, तो वहाँ से हमको ये प्रेरणा मिली और जो सहयोग राशि है हम समस्त स्टाफ के सहयोग से हमने इनको भात के रूप में भेंट की है जो 1,51,101 रुपये की थी और ये प्रेरणा हमारे स्टाफ से ही मिली। मेरा नाम है राजवती, मेरे पति 5 साल से काम करते हैं पुलिस लाइन में भरतपुर। मेरी बेटी की शादी है कल की और भात भरने आए हैं पुलिस लाइन। फरीदाबाद में चोरों के हुए हौसले बुलंद, इन्हें भगवान से भी नहीं लगता है डर। घर दुकानों में तो ये चोरी किया ही करते थे, अब ये मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल खबर फरीदाबाद SGM नगर पटेल चौक स्थित हनुमान मंदिर की है, जहां सुबह तड़के सुबह लगभग 3 बजे मंदिर में चोर घुस आया और मंदिर में रखी 2 दान पेटी चुरा कर ले गया। वहीं जब मंदिर के पुजारी को चोरी का पता चला तो उसने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराज जी, मंदिर में चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ है सामान? प्रभु, यहाँ से दाल पात्र चोरी हो गए हैं, 2 दाल पात्र गए हैं और एक में तो सामान था, पैसे वैसे थे, अब कुछ मेरे सिराने पैसे रखे हुए थे, 2-4 हज़ार रुपये वो चले गए हैं और 2 दाल पात्र चले गए हैं, मेरा एयरफोन चला गया है। तो क्या इसकी शिकायत पुलिस में दी है आपने? बिल्कुल दी है पुलिस में, पुलिस 112 आई थी और वो देख के गए हैं। क्या कहा उन्होंने? 10 बजे बुलाया उन्होंने थाने में चलिए। अच्छा, तो जांच वगैरह करी यहाँ पे कुछ देखा? हाँ, उन्होंने देखा घूम के थाने में और बोला कि थाने आके 10 बजे आ जाइए, चले जाए। क्या कोई CCTV फुटेज भी है? CCTV फुटेज है, उसमें बकायदा दिखाई दे रहा है। तो किसी तरह की पहचान हुई है उसकी? अभी हमें कोई पहचान नहीं, मुँह बांध रखा था उसने। तो हमें क्या इससे पहले भी कभी यहाँ चोरी हुई है? हाँ, चोरियाँ पहले भी हुई है। तो कभी कोई शिकायत दी है पुलिस को इस बात की? पहले कभी शिकायत दी है। बल्लभगढ़ आदर्श नगर स्थित 24 फुट रोड स्थित एक मकान में किराए पर रहने वाले अजय कुमार ने बताया कि आज सुबह उनका बेटा जयवर्धन स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तभी वह बाथरूम जाने लगा तो पड़ोस में किराए पर उनके साथ रहने वाले आरोपी ने उनके बेटे को बाथरूम यूज करने की जल्दबाजी के चलते धक्का दे दिया। बता दें कि जिसके चलते उनके बेटे के चोट लगने से लहूलुहान हो गया। वहीं घटना के बाद घायल को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें प्राथमिक उपचार दे दिया। साथ ही मामले की सूचना संबंधित थाना पुलिस को देने के लिए मामले की MRL भी तैयार कर दी गई है।
तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।